Hello students, as I promised you yesterday that I will be coming up with a new video or the very first video. So I am here to explain chapter number first of biology, the life process. It belongs to class 10. Okay, so without wasting any time, we must switch on to the studies. The chapter name is life process. So सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि life processes होती क्या है. Life processes are the processes which are the characteristic features of the living organisms. अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी processes या ऐसे characteristics which are the characteristic feature, यानी कि जो मुख्य विशेषताएं होती हैं living organisms की, उन्हें हम life processes कहते हैं. जैसे हम जानते हैं कि life process में हम सभी लोग living हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, हमें अपने एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन. हम सभी लोग लोकोमोट करते हैं, हम लोग हिल डुल पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं, तो दीज ऑल आर द लाइफ प्रोसेसेस. सेंसिटिविटी होती है हमारे अंदर, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है. ऐसी प्रोसेसेस जिस भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो की जाती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स इन लाइफ प्रोसेसेस को शो नहीं करते वो नॉन लिविंग कहलाते हैं. एक चीज और है अपने सिलेबस में, लिविंग और नॉन लिविंग के अलावा एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है डेड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड डेड? नॉन लिविंग विच वर नेवर लिविंग, जो कभी लिविंग थे ही नहीं, जो लाइफ प्रोसेस को शो नहीं करते वो नॉन लिविंग कहलाते हैं. एंड द ऑर्गेनिजम्स विच वर लिविंग एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, जो कभी लिविंग थे बट नाउ दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं वुड की, तो वुड, अ वुडन टेबल इज डेड एंड अ वुड वॉज लिविंग वेन इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ ट्री. जब ये पेड़ का पार्ट थी तो ये लिविंग थी, बट क्योंकि अब ये टेबल के फॉर्म में है तो ये नॉन लिविंग है. ओके, तो लिविंग, नॉन लिविंग, डेड एंड लाइफ प्रोसेसेस, ये दो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताए. हम चैप्टर के अंदर जाते हैं. सबसे पहले लाइफ प्रोसेस मैंने आपको बताया, उसके बाद लाइफ प्रोसेस में मैंने एग्जांपल दिया न्यूट्रिशन का. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन, जैसा कि सभी को नाम सुन के समझ में आता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन आया कहां से? न्यूट्रिएंट्स से आया. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द मिनरल्स which are required by the body to complete their daily activities. बहुत सारी हमें daily activities करनी होती है, उस सब के लिए हमें energy चाहिए. Energy कहाँ से मिलती है हमें? Nutrients से मिलती है. तो ऐसे minerals जिनसे हमें energy provide, जो हमें energy provide करते हैं, जिनसे energy मिलती है, वो nutrients कहलाते हैं. ठीक है, ये हमें किसके through मिलते हैं? Food के through मिलते हैं. Now what are nutrients? The minerals which are required by the body for performing various functions. Now nutrients can be of two types, micronutrients and macronutrients. Micronutrients क्या होते हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है, micro means small. So the nutrients which are required by our body in a small quantity are called nutrients. जैसे calcium, जैसे आपके ये potassium है, magnesium है, iron है, ये सब क्या होते हैं? ये micronutrients होते हैं. ठीक है, जबकि अगर हम बात करें, कैल्शियम भी माइक्रो में ही आता है, कैल्शियम, फास्फोरस. अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन अ कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस of deriving nutrient by an organism to provide, to obtain energy is known as nutrition. Now what are the types of nutrition? तो आप देख सकते हैं nutrition के लिए मैंने यहाँ एक chart बनाया हुआ है, जो कि types of nutrition हमें बताएगा. Nutrition can be of two types, the autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Now we all know about autotrophic and heterotrophic. Auto means self, tropic means nutrition. तो ऐसे organism जो अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते और अपना फूड स्वयं बना सकते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
the type of organism which can obtain their food, which can prepare their food at their own and are independent, are called autotroph, and this type of nutrition is known as autotrophic nutrition. What are heterotrophic nutrition? Heterotrophs, hetero means different, tropic means nutrition. So the type of organisms which are dependent on some other organism for their food requirements are called heterotrophs, and this type of nutrition is known as heterotrophic nutrition. Okay? Now heterotrophs can further be classified into holozoic, saprophytic and parasitic mode of nutrition. Now what are holozoic? Holozoic के बारे में हम कह सकते हैं the type of nutrition in which the organism follows five steps. How many steps? The organism follows five steps while deriving its food from a source. First is ingestion. Second, digestion. Third, absorption. Fourth, assimilation. And fifth, egestion. एजेशन को हम एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं. फाइन. द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच द ऑर्गेनिज्म फॉलोज फाइव स्टेप्स व्हाइल डिराइविंग इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड. एंड दीज फाइव स्टेप्स आर इंजेशन. इंजेशन इज नथिंग बट टू गेट द फूड इनसाइड द बॉडी. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम फूड को अपने मुंह के थ्रू इंजेस्ट करते हैं, दांतों से चबाकर, और वो हमारे स्टमक में चला जाता है. ठीक है. ऐसे ही अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्या करता है, इट स्प्रेड्स इट्स स्यूडोपोडिया अराउंड इट्स प्रे. ठीक है. एंड बाद में वो स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, दे गेट कनेक्टेड फ्रॉम सम पॉइंट एंड द फूड गेट इंजेस्टेड. फाइन. स्यूडोपोडिया ये वाला एग्जाम्पल है, डायग्रामेटिक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक में, और ये आपसे पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में कि भाई एक्सप्लेन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो आप वहां से बुक से देख सकते हैं, अदरवाइज आई विल बी सेंडिंग यू द पिक्स. ओके. इंजेशन के बाद क्या होता है, व्हेन द फूड इज, मैं आपको बता देता हूं साथ ही साथ अमीबा में, लाइक व्हेन अमीबा सीज इट्स प्रे, इट स्प्रेड्स इट्स स्यूडोपोडिया around the prey and after that it get connected and the food get ingest into the body. This is called ingestion step first. Now digestion. Digestion means the process of breaking down of complex food into the simple food. So जैसे ही ये अंदर जाता है body के prey, बहुत सारे digestive juices इससे combine करते हैं और ये क्या हो जाता है, digest हो जाता है, इसको स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया जाता है. तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फूड पार्टिकल्स या स्मॉलर फूड पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन. डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप क्या होती है, एब्जॉर्प्शन. ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी फॉर इट्स यूटिलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज absorption. Now fourth is assimilation. Now what happens to the absorbed food, it is utilized for various building and repairing purposes and also for providing energy. Jo bhi absorbed food hota hai wo building repairing work mein consume hota hai, sath hi sath wo hamare body ko kya karta hai, energy provide karta hai, and remaining food get stored into the body for its future use. Jo bacha kucha hai wo future use ke liye store ho jata hai. Theek hai. This process is known as assimilation, means utilization of absorbed food and deposition of the storage of the remaining food for its future use is known as assimilation. And after this what happens, again
the pseudopodia get contract like this. And finally break. The waste food is taken out of the body. तो जो भी waste food होता है वो body के बाहर भेज दिया जाता है by the process of ejection or we can say it excretion. Fine. तो I hope मैं आपको holozoic mode of nutrition समझा पाया जिसमें पांच step होती है ingestion, digestion, absorption, assimilation and ejection. Fine. उसके बाद आता है saprophytic mode of nutrition. Saprophytes क्या होते हैं ये जानना बड़ा जरूरी है. The type of organism which obtain their food from the dead and decaying organic matter. आपने देखा होगा बरसात के दिनों में अक्सर जगह जगह पर कूड़े के ढेर लग जाते हैं जब तो वहां पर मशरूम्स उग जाते हैं. तो मशरूम्स क्या होते हैं दे आर द टाइप ऑफ saprophytes. They obtain their food from the dead and decaying organic matter. Fine. So such type of organism are called saprophytes. And this type of nutrition is known as saprophytic mode of nutrition. Fine. For example, nutrition in fungi. किसी भी fungi में कुछ bacteria में भी saprophytic mode of nutrition पाया जाता है. Fine. उसके बाद last है इस topic से parasitic mode of nutrition. So there are certain organisms which grow over the body or inside the body of a living organism. Obtain their food from the living body and when the body gets dies they switch on to the other organism or in case of lack of nutrition they may switch on to the other body. Fine. So the organism which obtain their food from the living body are known as parasites and this type of nutrition is known as parasitic mode of nutrition. Fine. Parasites bhi do tarike ke hote hain ectoparasite and endoparasite. एक्टोपैरासाइट जो हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाते हैं नॉट हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं और वहां से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं एंड एंडोपैरासाइट व्हिच डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फाइन. जैसे अगर मैं एक्टोपैरासाइट की बात करूं तो लीसिस हम सभी को पता है जुए जो होते हैं लीच होती है ये सब क्या है एक्टोपैरासाइट होते हैं. जबकि अगर मैं एंडोपैरासाइट की बात करूं तो वॉर्म्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में हो जाते हैं दे आर नोन एज जैसे टेप वॉर्म होता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ पिग इट इज पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन ऑफ पिग. तो दीज आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट. यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है नेम वन प्लांट पैरासाइट. तो प्लांट पैरासाइट का हिंदी नेम मैं आपको बताता हूं पहले अमरबेल. अमरबेल हम सभी ने सुना होगा अमरबेल इज अ काइंड ऑफ प्लांट पैरासाइट और इसका साइंटिफिक नेम भी एग्जाम में एक नंबर में पूछा जाता है. तो इसका साइंटिफिक नेम है Cuscuta, Cuscuta, Cuscuta is the plant parasite. In Hindi, it is known as amarbel. तो यहाँ तक अपना जो basic introduction है chapter का, वो जो first 1/4 part है, वो complete होता है nutrition segment से, okay? इसी में हम आपको आगे थोड़ा सा और मैं बताऊंगा regarding plant nutrition, nutrition in plants. Nutrition in plants. We all know that plants are autotrophs. They can prepare their own food in presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. बहुत पहले से हम लोग ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में और लास्ट कुछ क्लासेस में हमने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन भी पढ़ा है. What is the equation of photosynthesis? 6CO2 plus 6H2O कई जगह पर 12 भी लिखा होता है तो उसको बैलेंस करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट फॉर्म्स ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2. ठीक है. अगर यहां 12H2 करते हैं तो वहां 6H2 बैलेंस करना होता है. ओके. तो दिस इज द इक्वेशन दैट बिलोंग्स टू फोटोसिंथेसिस. यहां तक हम सभी ने पढ़ा है.
फोटोसिंथेसिस से जो अपने कोर्स में क्वेश्चन आएगा वो है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस से मैं आपको बताऊं कि देयर आर टू स्टेप्स इन विच द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, जो अभिक्रिया है, वो दो स्टेप्स में होती है। पहला है लाइट रिएक्शन, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। ज्यादातर इन दोनों में डिफरेंसेस पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन इनसे कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जिसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में फिर उन क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है लाइट रिएक्शन, तो इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे एंड इट कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, जरूरी है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। इस प्रोसेस के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है इट टेक्स प्लेस इन ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट व्हाइल इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस इन ग्रेना रीजन एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिल्स रिएक्शन। एक साइंटिस्ट थे कैल्विन हिल, उनके नाम पर इसका जो रिएक्शन का नाम है वो हिल्स रिएक्शन भी रखा गया है। और इसका हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। केल्विन साइकिल और केल्विन बेंसन साइकिल। इस वीडियो का एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए कि डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे ढूंढकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी यहां से आपको डाउट लगेंगे इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिसका कि मैं जल्द से जल्द आंसर करूंगा। अपनी अगली वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास जल्दी आऊंगा, जिसमें यहां से कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन हैं, जैसे कि इसका एक पार्ट है ग्रेना रीजन, मैंने बताया ग्रेना रीजन, स्ट्रोमा रीजन, तो इससे कनेक्टेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में उनके एक्सप्लेनेशन के साथ
एक्सप्लेन करेंगे और अगले पार्ट ऑफ चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे. टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, और सब्सक्राइब कीजिए.